कम्पेयरिंग एजुकेशनल अचीवमेंट्स एक बहुत बड़ा एक रिसर्च रेजरवायर है जो कम्पेरेटिव एजुकेशनल रिसर्च में जो कि कंपेयर करता है लर्निंग अचीवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट एट टाइम्स यू हैव स्पेसिफिक टेस्ट जो कि होते ही इंटरनेशनल लेवल पे और आप उसको कंडक्ट करते हो और उसका मकसद ही होता है कि आप क्रॉस कंपेरेटिव चीजें देखो और कई दफा एग्जामिनेशन सिस्टम स्कूल्स में इस तरह के होते हैं जैसे ए और ओ लेवल uh, का जो सिस्टम है और जहां जहां भी वो किया जाता है तरह, जो स्कूल्स उसको ऑप्ट करते हैं उसमें भी आप कंपेरिजन लेकर आते हो अब द क्वेश्चन इज व्हाई टू कंपेयर लर्निंग अचीवमेंट डू यू वॉन्ट टू डू इट यू वॉन्ट टू डू इट बिकॉज यू वॉन्ट टू मैयर द अचीवमेंट्स इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज

या वो कोई सिस्टम लेकर आए हैं तो उसका उसके ऊपर पैसा कितना आ रहा है और बच्चे से बच्चों को उसके ऊपर कितना फायदा आ रहा है और ये चीज आप जो अक्रॉस कंट्रीज में इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप देखना चाहते हो एट टाइम्स यू वांट टू नॉट जस्ट लुक एट लर्निंग अचीवमेंट्स लर्निंग अचीवमेंट्स तो इन इट भी देखते हैं लेकिन कई दफा आप उन लर्निंग अचीवमेंट्स को को रिलेट करना चाहते हो दूसरे एस्पेक्ट से फॉर इंस्टेंस इनपुट प्रोसेसेस से कि वह कौन से इनपुट प्रोसेसेस हैं कौन से टीचिंग लर्निंग डायनेमिक्स हैं, जिसकी वजह से कुछ जो बच्चे जो हैं, दूसरों से अच्छे लर्न कर रहे हैं या कुछ कंट्रीज आर फेयरिंग बेटर देन अदर कंट्रीज सो ये तो एक वजह है फिर आप कई दफा इन इन विद इन अ कंट्री ऑल्सो एट टाइम्स यू वॉन्ट टू सी के क्या वेरिएशन है डिफरेंट स्कूल्स की फॉर इंस्टेंस इसकी सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल आपकी प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स की है जब आप प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स में करते हो आप देखते हो गवर्नमेंट का इतना पैसा पब्लिक स्कूल्स में लग रहा है उसके ऊपर आप ये कर रहे हो और प्राइवेट जो लू ऑफी स्कूल्स हैं उसमें बच्चे जो जा रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या जो पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और क्या वजह है और क्या नहीं है यू ऑल्सो वांट टू सी द लर्निंग अचीवमेंट्स मायर द लर्निंग अचीवमेंट्स बिकॉज एट टाइम्स यू ऑल्सो वांट टू लुक एट इंटर ग्रुप डिफरेंसेस एक ही स्कूल में या, uh, या मुख्तफ स्कूल के अंदर ऐसा तो नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह की चीजें आपको बाहर तो बहुत नजर आएंगी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की रिसर्च बहुत कम है इसके एग्जाम्पल अगर आपको मैं वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में ही दूं तो यू माइट लाइक टू सी अच्छा जी जो एफ्रो अमेरिकन हैं आर दे डूइंग एज वेल एज वाइट्स और ये जो हिस्पैनिक कम्युनिटीज हैं वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं जितनी अदर वो दूसरे डोमिनेंट कम्युनिटीज कर रही हैं और आप देखना चाहते हो इसी तरह पाकिस्तान में भी एट टाइम्स यू वांट टू डू माय कंपेयर जेंडर एट एट्स यू आल्सो वांट टू सी के अच्छा जो एतनो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आपकी स्कूल्स में होती हैं या जो रिलीजियस माइनॉरिटीज आपके पास हैं आर दे परफॉर्मिंग इक्वली वेल लर्निंग अचीवमेंट्स उनकी जो हैं वो बराबर हैं डोमिनेंट ग्रुप के कि नहीं एंड यू ऑल्सो वॉट यू वॉन्ट टू लर्न एक्चुअली और इसको हम सम भी इस तरह कर सकते हैं वॉट कैन बी लर्न फ्रॉम अदर सिस्टम्स का कंपेरिजन इसलिए करते हो क्योंकि आप देखना चाहते हो कि वट इज देयर फॉर अस टू लर्न फ्रॉम देयर सिस्टम चाहे वो इशू इक्विटी का हो यानी सब ग्रुप्स का इशू आपको आ रहा है कि कुछ ग्रुप्स कंसिस्टेंटली ओवर द इयर कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या इशू इस आ रहा है कि कुछ मुल्क अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं या रूरल अर्बन के डिफरेंसेस आ रहे हैं आप ये सब डिफरेंसेस देखना चाहते हो जब आप ये डिफरेंसेस इंटरेस्ट एक कंट्री के अंदर भी देख के आपको नजर आ जाएगा कहाँ पे ये आपके इश्यूज नहीं है कहाँ पे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डिस्पाइट बिंग अ माइनॉरिटी डिस्पाइट देयर जेंडर डिस्पाइट रूरल अर्बन कॉन्ट्रास्ट तो फिर आप वो चीजें दूसरे स्कूल्स में लाना चाहते हो फिर आप दूसरे मुल्कों को भी देखना चाहते हो कि वो अपने इस तरह के सिमिलर जो हैं इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व करते हैं और जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं लर्निंग अचीवमेंट्स में वो उनको आ रही हैं कि नहीं आ रही एंड थ्रू दिस कम्पेरिजन यू जस्ट वॉन्ट टू लर्न सो दैट यू कैन इम्प्रूव सिस्टम और क्योंकि लर्निंग अचीवमेंट इज द मेन आउटकम ऑफ ऑफ एजुकेशन एटलीस्ट जो आप मैयर कर सकते हैं सामने आपको नजर आता है लिटरेसी uh, रिलेटेड So that is, uh, a lot of research has been done over here.